आज हम आ जाते हैं इंटरनल ऑडिटर, हमने पढ़ लिया था जो कि सारा हमारा 620 में कवर होता था। आज हमने पढ़ना है 610। 610 भी वही है कि जी इंटरनल ऑडिटर की बजाय अब ये है कोई एक्सपर्ट जिसके काम को हमने यूज करना है। ऑडिट कमेटी इंटरनल ज़रूर होती है, लेकिन आप जब कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ेंगे तो ऑडिट कमेटी के अंदर जो डायरेक्टर्स आते हैं वो तकरीबन इंडिपेंडेंट आते हैं। डायरेक्टर्स या फिर जो एक कमेटी उन्होंने रखी होती है, जो प्योरली एक सेपरेट फंक्शन होती है, सेपरेट फंक्शन के तहत उनके काम कर रही होती है, और उसकी रिपोर्टिंग लाइन भी सिर्फ दो चार्ज विद गवर्नेंस को होती है और किसी को नहीं होती, मैनेजमेंट के किसी बंदे को नहीं होती। ठीक है, वो नुमान जो पॉइंट्स हैं वो अब आप लास्ट पे पूछिएगा, तो काफ़ी टाइम जो है वो हम वेस्ट कर चुके हैं उसमें। उस टाइम के बीच में आप नहीं थे, पता नहीं कहाँ पे थे, तो मैंने शुरू में टाइम दिया हुआ था। सिक्स टेन में हमने देखा था कि हम इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसमें हमने देखा कि दो तरह से हम काम को उसके यूज़ कर सकते हैं, एक तो उसके वर्क को यूज़ कर लें या फिर उससे डायरेक्ट असिस्टेंस ले लें। इन दोनों में हमने कुछ फैक्टर्स देखे थे और काफ़ी सारी डिस्कशन की कि वर्क को यूज़ करने से पहले तीन सवाल पूछिए, कैन वी यूज़ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। फिर उसके वर्क पे फोकस हो गया और फिर यूजबिलिटी पे फोकस हो गया। डायरेक्ट असिस्टेंस में हमने बकायदा फैक्टर्स देखे, फिर इसकी भी वर्क और यूजबिलिटी देखी, फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखे कि यूज़ करने से पहले कोई एग्रीमेंट्स ले लीजिए। इस तरह की ये बातें करने के बाद फिर हमने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बकायदा इस पे 5 पॉइंट्स आपको बताए कि डॉक्यूमेंट क्या क्या करना है। अब जब हम आते हैं 610 पे, ये इसका नाम ही क्या है जी, ऑडिटर्स एक्सपर्ट। ठीक है, इट्स नॉट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, इट्स ऑडिटर्स एक्सपर्ट। नाम से नजर आ रहा है कि जी अगर ये ऑडिटर का एक्सपर्ट है, इसका मतलब मैम, जो 620 ऑडिटर ISA 620 नहीं होगा? हाँ जी, ये 610 नहीं लिख दिया मैंने, दैट इज 620। ओके अच्छा जी, ऑडिटर की एक्सपर्ट है आपने देखना, ये ऑडिटर का एक्सपर्ट है, इसका मतलब इसकी ऑब्जेक्टिविटी पे और इंडिपेंडेंस पे बहुत कम इश्यूज होंगे। हाँ, कुछ इश्यूज ज़रूर हो सकते हैं लेकिन बहुत कम इश्यूज होंगे क्योंकि ये ऑडिटर का एक्सपर्ट है। ये मैनेजमेंट की तरफ से इम्प्लॉय नहीं किया गया, मैनेजमेंट को रिपोर्ट नहीं कर रहा है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जी इंट्रोडक्शन, ऑडिटर का एक्सपर्ट होता क्या है, वो टर्मिनोलॉजी जो यूज़ कर रहे हैं स्पेसिफिकली उसकी डेफिनेशन देखेंगे, और देखेंगे जी ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसमें हम ऑडिटर्स एक्सपर्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो टर्मिनोलॉजी है जो मैंने बोला ऑडिटर्स एक्सपर्ट, इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे एंड देन हम देखेंगे जी कि इस ISA का ऑब्जेक्टिव क्या है, ISA 620। इंट्रोडक्शन के बाद आप देखेंगे, आप असेस करेंगे क्या आपको जरूरत भी है एक्सपर्ट यूज करने की। असेसिंग द नीड ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, और थर्ड पे देखेंगे कि आपने असेस तो कर लिया कि जी आपको ऑडिटर के एक्सपर्ट की ज़रूरत है, तो अब अगेन एक्सपर्ट भी आपको काम करके देगा, एक्सपर्ट के काम पे आपने रिलाई करना है, तो फिर उसके काम को भी तो चेक करना पड़ेगा। तो कहाँ फिर आप असेस करेंगे
वर्क ऑफ एक्सपर्ट। तीन चीजें हमने देखनी है। इंट्रोडक्शन में हम डेफिनेशन, एग्जांपल, ये छोटी सी चीजें देखेंगे। नीड असेस करेंगे कि जी आपको क्या वाकई ऑडिटर को एक्सपर्ट की जरूरत है, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, वो फैक्टर्स देखेंगे। और फिर आगे हमने उसके वर्क को किस तरह से असेस करना है, उसके क्योंकि वर्क पे रिलाई करना है, हमने उसे अपने ऑडिट में यूज़ करना है, तो फिर काम सही होना चाहिए, अदरवाइज हम उसे यूज़ नहीं करेंगे। डेफिनेशन में वो आपको कहते हैं कि जी जो टर्म एक्सपर्ट है, जो आपने कंपनी लॉ में, कंपनी एक्ट में, अगर आपको याद हो तो आपने एक्सपर्ट की प्रोस्पेक्टस में चैप्टर में एक टर्मिनोलॉजी देखी थी कि एक्सपर्ट वो होता है जो वैल्यूअर होता है, अकाउंटेंट होता है, और कोई भी एनी पर्सन जिसका प्रोफेशन उसको अथॉरिटी देता है टू मेक अ स्टेटमेंट। ठीक है, ये कंपनी लॉ में थी। अब स्टैंडर्ड के हवाले से वो एक्सपर्ट की डेफिनेशन वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बताता है, क्योंकि ये तो ऑडिटर का एक्सपर्ट है, वो प्रोस्पेक्टस में जो एक्सपर्ट यूज किया गया वो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट था। अच्छा, यहाँ पे वो कहते हैं कि जी ये वाला जो एक्सपर्ट है कि इस सेंस में यूज किया गया कि ये जो अच्छा, मुझे एक नोटिफिकेशन आई थी, इंटरनेट ठीक नहीं है, मेरी आवाज ठीक आ रही है सबको? जी मिस आ रही है। ओके, यहाँ पे वो कह रहे कि इधर अगर आप एक्सपर्ट की बात करें तो एक्सपर्ट आपका इंडिविजुअल भी कोई हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन से मुराद कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई फर्म भी हो सकती है जो आप जिन्हें एज एन एक्सपर्ट हायर करें। कौन हायर करे? ऑडिटर की बात हो रही है, ऑडिटर का एक्सपर्ट है ये। एक्सपर्ट साहब ऐसी स्किल्स और नॉलेज रखते हैं, ऐसी नॉलेज, स्किल्स और एक्सपर्टीज रखते हैं इन द फील्ड्स अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। क्योंकि ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में तो जो एक्सपर्ट हैं वो तो हम खुद ही हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑडिट में हमें कोई पीछे नहीं कर सकता, अकाउंटिंग में हमें कोई मात नहीं दे सकता, हम खुद ही उसमें एक्सपर्ट हैं बहुत ज़्यादा। हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, इसके अंदर काफ़ी सारी अकाउंटिंग पढ़ ली है, तो अकाउंटिंग में तो हमें कोई मात दे ही नहीं सकता। ये बात हो रही है, ऑडिटर एक्सपर्ट यूज़ करेगा ऐसी फील्ड्स में जो कि अदर देन अकाउंटिंग है और अदर देन ऑडिटिंग है। ऐसी बात है, इन दो फील्ड्स के अलावा हम और किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होते। हम सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ रहे होते हैं, बी कम्युनिकेशन और इस तरह की सारी चीज़ें ज़रूर देख रहे होते हैं, लेकिन हम उसमें एक्सपर्ट नहीं होते। हम थ्रू आउट जो चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं वो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में बेसिकली एक्सपर्ट कहलाए जा रहे होते हैं, लेकिन हम कभी भी उसमें एक्सपर्ट नहीं कहला सकते अदर देन ये जो फील्ड्स होती हैं अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, अंटिल अनलेस आप उसमें जाकर कोई स्पेशलाइजेशन करो और उसी को आगे उसी फील्ड में चले जाओ। ठीक है, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। अब वो कहते हैं कि जी अच्छा, हम आपको बता देते हैं कि अच्छा, मेरी ये मीटिंग के कुछ कंट्रोल्स लग गए हैं यहाँ पे, तो जो इसको मैनेज कर रहा है वो काइंडली देख ले। आज कुछ बार बार इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। एनीवेज, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है जी सबको? अच्छा जी, अभी दिख रही है जी? मिस सब सॉरी। ठीक है, हम कहते हैं कि जी अब एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं जिसको आप उसके काम को यूज कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, हम लॉयर नहीं है, हमने कोई एलएलबी की डिग्री नहीं ली हुई, हम उसमें एक्सपर्ट नहीं है लीगल ओपिनियन देने में,
कोई स्पेशल किस्म की वैल्यूएशन करनी है किसी प्रॉपर्टी की, कोई स्पेशल किस्म की लायबिलिटी, पेंशन लायबिलिटी, एक्चुअरियल लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो हम उसमें भी एक्सपर्ट नहीं हैं, तो कोई वैल्यूएशन के स्पेसिफिक एरियाज उस पे हम अपने एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स किस्म की अगर ट्रांजेक्शन्स हैं, कॉम्प्लेक्स किस्म के टैक्स इश्यूज आ जाते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स किस्म की और ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं, तो हम कहते हैं हम उसमें भी एक्सपर्ट नहीं होते, स्पेशली टैक्स के जो भी मामला होते हैं उसमें भी हम एक्सपर्ट नहीं होते, तो उसमें भी हम किसी एक्सपर्ट की एक्सपर्टीज ले लेते हैं, उसकी जो भी वो कहते हैं कि ऑडिटर साहब, हम उस पे हमें एक एक्सपर्ट ओपिनियन दे दे ताकि हम उसके काम को यूज करें, वो भी काम करे, हम भी काम कर रहे होंगे लेकिन वो भी रिलेटेड टू ऑडिट होगा, तो जो भी रिलेटेड टू ऑडिट होगा वो हम उसे यूज कर लेंगे, क्योंकि हमने तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देनी है, हम ये नहीं कह सकते कि हम इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है या कुछ भी, हमें किसी तरह करके उसे ऑडिट तो करना ही है क्योंकि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देनी है। एग्जाम्पल के बाद वो कहते हैं कि जी ऑडिटर की एक्सपर्ट पर जरा फोकस कर लीजिए, ये ऑडिटर का एक्सपर्ट है, ये मैनेजमेंट का एक्सपर्ट नहीं है क्योंकि ये इम्प्लॉयड बाय एंटिटी नहीं है, ठीक है जी। तो ये चीज़ हमने पहले भी देख ली थी, तो ये काफ़ी हद तक इसलिए इंडिपेंडेंट होगा। आगे जो ऑब्जेक्टिव आ जाइए 6.20 के, ऑब्जेक्टिव जो हैं वो सिंपल दो ऑब्जेक्टिव बताता है, कहता है जी पहला ऑब्जेक्टिव आपका ये है कि आपने डिसाइड करना है कि क्या आपको 6.20 लगाना है या नहीं लगाना, क्या आपको एक्सपर्ट के काम को यूज करना भी है कि नहीं, हो सकता है आप किसी और अल्टरनेट मेथड की तरफ चले जाएं, कोई और अल्टरनेट प्रोसीजर लगा के तो उसको टेस्ट कर लें, क्या जरूरी है एक्सपर्ट को हायर करना, एक्सपर्ट के काम को यूज करना, तो देख लिया अगर एक्सपर्ट के काम को यूज करेंगे तो 6.20 लगाएंगे आप। दूसरा कहा जी कि अगर आप उसके काम को आखिर डिसाइड आपने कर ही लिया है कि आप यूज करेंगे, तो फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका है जी आपने असेस करना है कि क्या वर्क एडिक्वेट है, पहले डिसाइड करना है वेदर टू यूज करना है कि नहीं, और दूसरा असेस कीजिए कि क्या वर्क एडिक्वेट है या नहीं। ये दो ऑब्जेक्टिव हो गए। अब आ जाइए नीड असेस करनी है आपने कि क्या आपको एक्सपर्ट की वाकई ज़रूरत है कि नहीं है। उसने कहा देखिए ये जो एक्सपर्ट को हायर करने वाला काम है ये कोई मुफ्त में नहीं होता, इसकी एक कॉस्ट आती है, क्योंकि एक्सपर्ट अपनी जो प्रोफेशनल आपको सर्विसेज देगा उसके बदले अपनी फीस चार्ज करेगा, तो वो जो फीस होगी वो आपको उसको पे करनी पड़ेगी, तो कॉस्ट है। तो पहला तो आपका फैक्टर है जी आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखते हैं कि क्या आप इस काबिल भी हैं कि इतनी फीस उसे पे कर सकें, सर्विसेज तो ले लेंगे बिल्कुल, ऑडिट तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्वालिटी बड़ी अच्छी हो जाएगी, लेकिन क्या आप को उतना बेनिफिट भी हो रहा है जितनी आप उसको कॉस्ट पे कर रहे हैं। सेकेंड आते हैं जी ऑडिट के जो कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करते हैं कि जी आपने ऑडिटर के काम को यूज़ करना है कि नहीं। उसने कहा कि देखें कुछ फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर हैं जी कि सबसे पहला पॉइंट देखिए कि जिस मैटर पे आपको एक्सपर्ट की ओपिनियन चाहिए, एक्सपर्ट से जिस मैटर पे आप काम करवाना चाहते हैं, जिस फील्ड में, देखें कि उस मैटर की नेचर क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है और वो मैटर कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर तो उसकी नेचर स्मॉल नेचर का एक कह लीजिए मैटर है, बस उसका फैक्ट और कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आना, एक दो जगह पे आएगा और सिग्निफिकेंट भी नहीं है, मटेरियल भी नहीं है, और हाँ थोड़ा बहुत ज़रूर कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स है तभी तो आपको समझ नहीं आ रहा और तभी तो आप सोच रहे हैं कि जी मैं ऑडिटर अपने एक्सपर्ट को हायर कर लूँ। तो कहा कि देखें नेचर अगर उसकी बहुत छोटी है, सिग्निफिकेंट भी इतना नहीं है, कॉम्प्लेक्स हाँ थोड़ा बहुत है, तो फिर जाहिर सी बात है आपको एक्सपर्ट हायर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये अब कुछ फैक्टर्स बता रही हूँ अगेन,
जिन फैक्टर्स की बेस पे आप अपनी नीड असेस कर रहे हैं। अगर तो नेचर बहुत ज्यादा है, उसकी बड़ी नेचर का है, उसके फाइनेंशियल जजमेंट में फैक्ट डिफरेंट जगह पे आ रहे हैं, वो मैटर ऑडिटर की जजमेंट में सिग्निफिकेंट भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, तो हाँ इसके लिए आप जरूर एक्सपर्ट हायर कर लीजिए। इसमें एग्जाम्पल यही है, लीगल ओपिनियन। फॉर एग्जाम्पल आपको कंपनी के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उसके अगेंस्ट कितनी अमाउंट कंपनी को कल को पे करनी पड़ सकती है, वो प्रोविजनिंग कंपनी ने किस तरह से की है, उसके लिए अब आप अपना एक्सपर्ट लेके आते हैं, क्योंकि वो डिटर्मिनेंट, वो बेसिस आप नहीं उसको वेरीफाई कर सकते। वो एक्सपर्ट होगा इस वैल्यूएशन में तो आप उसको नहीं समझ सकेंगे, तो शायद आपको अपना एक्सपर्ट लेके आना पड़े। फिर काजी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उस मैटर में मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क कितना है? अगर तो ज्यादा है तो इट्स मीन, और वो नेचर भी उसकी काफी हाई है, सिग्निफिकेंट है, कॉम्प्लेक्स है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी उसमें ज्यादा आपको नजर आ रहा है, जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, जैसे आपने देखा था कि ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जिसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा होता है, कॉम्प्लेक्स नेचर की होती हैं, ठीक है। तो कहा कि ऐसी मैटर्स, ऐसे जो आपके मैटर्स हैं और मामलात हैं, इस पे भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एक्सपर्ट की जरूरत है तो आप हायर कर लीजिए। फिर देखिए कि क्या आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। आप खुद तो इस कैलकुलेशन को चेक नहीं कर पा रहे, लेकिन देखिए एक्सपर्ट के अलावा कोई और ऐसा सोर्स है जिससे आप एविडेंस ले सके, टीम के अंदर ही कोई बंदा देख लें, शायद कोई जिसको बड़े अच्छे से मामला डील करने आते हों, ठीक है। तो डिफरेंट ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स या कोई आप डिफरेंट देखें, कोई ऑल्टरनेट सोर्स आपको मिल जाए, तो ये आप नीड असेस करने के लिए कुछ फैक्टर्स देखे हमने। उस फैक्टर्स के बाद वो कहता है कि जी जब आपने ये फैक्टर्स देखे कि कोई ऐसा आखिरकार मैटर निकल ही आया है जो कॉम्प्लेक्स भी है, सिग्निफिकेंट भी है, नेचर में भी बहुत बड़ा है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी है उसमें, और हमें कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एविडेंस भी नहीं मिल सकता, तो फिर आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपने एक्सपर्ट को यूज़ करना है। तो जब आपने एक्सपर्ट को यूज़ करना है तो कहा कि फिर उसके वर्क को ज़रूर देख लीजिए, क्या उसका वर्क एडिक्वेट है कि नहीं है। वर्क एडिक्वेट है कि नहीं है तो उसने कहा अगेन यहाँ पे आपके प्रोसीजर्स लगेंगे। वो प्रोसीजर्स क्या हैं? मोटे मोटे और मेन प्रोसीजर्स आपको बता देते हैं। जब आपने ISA 620 पढ़ा था तो उसके अंदर जब आपने कहा था कि मैं उसके वर्क को यूज करने जा रहा हूं, पहला मेथड जो था इंटरनल ऑडिट के, तो आपने कौन से तीन सवाल पूछे थे? हाँ जी बताइए। थ्री स्टेटमेंट्स ही कैन वी यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। इसमें पहले इंटरनल ऑडिट का देखते हैं, फिर वर्क का, फिर यूज का। ओके, पहले इंटरनल ऑडिटर पे फोकस था, सेकंड ठीक वर्क है, थर्ड पे, फिर यूजेज पे, कि हम यूज कर फिर सकते हैं भी या नहीं कर यूजेज पे। सकते। पहले इंटरनल ऑडिटर पे फोकस था कि इंटरनल ऑडिटर इस काबिल है कि नहीं है, फिर सीधा उसका वर्क इस काबिल है कि नहीं है, फिर तीसरा कहा कि सब कुछ ठीक है लेकिन क्या उसको हम यूज कर भी सकते हैं कि नहीं अपने ऑडिट में। तो वो तीन सवाल थे। अब ऑडिटर का एक्सपर्ट है, अगेन सवाल पूछिए, सबसे पहले उसकी कॉम्पिटेंस, यही था ना सबसे पहला फोकस हमारा इंटरनल ऑडिटर था, यहाँ पे भी सबसे पहला हमारा फोकस क्या है जी, ऑडिटर का जो भी एक्सपर्ट है उसके अपने पे फोकस है कि उसके अंदर इतनी काबिलियत है, हाँ जरूर एक्सपर्ट होगा लेकिन क्या उतने रेलेवेंट कॉम्पिटेंस है उसके अंदर, उतना केपेबल भी है कि हमें ऑडिट में हेल्प आउट कर सके, और उसकी साथ ऑब्जेक्टिविटी भी देख लेंगे। ये ऑब्जेक्टिविटी तो हर चीज में देखनी है, ये तीन चीजें, ये वाले एक पॉइंट तो आपके तीनों में कॉमन हो गया, चाहे आप उसकी डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हैं, चाहे इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर रहे हैं, या चाहे आप एक्सपर्ट को यूज कर रहे हैं,
तो ये वाला पॉइंट तो सेम हो गया, आपने कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी चेक करनी है, ठीक है। अब ये कैसे चेक करनी है, इसके फर्दर पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं आपको चूंकि मेन प्रोसीजर्स बताने लगी हूँ, तो मेन जो सेकंड प्रोसीजर्स हैं वो उसने कहा, सेकंड पॉइंट क्या देखते थे जी हम, उसके वर्क पे फोकस देखते थे, वर्क पर फोकस होता था। तो अब है जी, हमने इंश्योर करना है कि उसका वर्क एडिक्वेट है कि नहीं है। वर्क एडिक्वेट है कि नहीं है वो कैसे इंश्योर करना है वो अभी देखते हैं, लेकिन अभी मेन प्रोसीजर देख रहे हैं कि ऑडिटर एक्सपर्ट जो लाने लगा है उसका काम असेस करना है। सबसे पहले कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटीज ऑब्जेक्टिविटीज, बेसिकली उसने एक्सपर्ट को अवेलुएट करना है। थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट जी के वर्क एडिक्वेट है कि नहीं है, और थर्ड पॉइंट, एक तो वर्क एडिक्वेट है, दूसरा फिर उसके वर्क की फर्दर इवैल्यूएशन कीजिए। ये आता है जी क्वालिटी सेंस में। और ये आएगा जी सफिशिएंसी में। तो मेनली ये तीन प्रोसीजर है, कॉम्पिटेंस चेक करनी है, देखना है कि वर्क एडिक्वेट है कि नहीं है, फिर फर्दर उसकी अवैल्यूएशन करनी है एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट्स के वर्क की। अब ये कैसे करनी है, अब हम इसको बारी बारी इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। बुक पे अगर आ जाएं हम, उसने कहा जी आपने कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को किस तरह से असेस करना है, पर्सनल एक्सपीरियंस देख लीजिए उसके साथ, प्रीवियस वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। अगर आपने पहले भी उस एक्सपर्ट के साथ कोई काम किया हुआ है तो आपका उसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा था आप असेस कर सकते हैं। उसने बड़ा अच्छा काम करके दिया था आपको, बड़ा केपेबल था, बड़ी कॉम्पिटेंस थी उसके अंदर, बड़ी स्किल्स थी, बड़ी एक्सपर्टीज लगाई थी उसने, उस एक्सपर्ट के साथ आप डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा अगर सपोज उसने आपको सर्विसेज तो नहीं दी, लेकिन आपके किसी जानने वाले किसी और ऑडिटर्स को दी हुई हैं, तो आप फिर उन ऑडिटर्स के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि देखें आपने इस एक्सपर्ट का काम यूज़ किया है, ज़रा हमें बता सकते हैं कि ये बंदा कितना केपेबल है, क्या वाकई उस फील्ड में एक्सपर्ट है, ये जस्ट ऐसे ही नाम क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो आप एक्सपर्ट की फिर दूसरे अपने ऑडिटर से रेफरेंस लेने की कोशिश करेंगे। फिर है जी आप उस एक्सपर्ट की क्वालिफिकेशन देखेंगे, पूछेंगे सारी कि जी आपने किया क्या क्या हुआ है, जी एक्सपर्ट तो आप हैं, जरा क्वालिफिकेशन भी तो बताइए। आप किसी बंदे की कॉम्पिटेंस और उसको जज करने के लिए आप उसकी क्वालिफिकेशन ज़रूर पूछते हैं। फिर उसे पूछेंगे आप किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर भी हैं, किसी इंडस्ट्री एसोसिएशन, या आप ये जो काम कर रहे हैं इसके लिए आपके पास कोई प्रैक्टिस लाइसेंस है, ठीक है, या किसी भी और तरह की एक्सटर्नल रिकग्निशन, जैसे आपने कोई बाहर की डिग्री की हुई है, कोई एक्सटर्नल जो कंट्री की तो नहीं है, जैसे ACCA हो गया, ठीक है, पाकिस्तान आई कैप तो पाकिस्तान में ही है, लेकिन ACCA जो है वो वर्ल्ड वाइड है, ICAW। तो इसी तरह डिफरेंट आप उसकी पूछ लेते हैं कि जी आप किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हैं या नहीं है। इससे आप सारे बस अंदाजा ये लगाना चाह रहे हैं कि वो कितना कॉम्पिटेंट है, हो सकता है कितना केपेबल हुआ है। अभी क्योंकि उसने अगर आपका उसके साथ कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो अभी आपको नहीं पता कि वो कैसा काम करके आपको देगा, तो आप पहली बार एक्सपर्ट को हायर करने जा रहे हैं। फिर देखिए उसने कोई अपने पेपर्स पब्लिश किए हैं, कोई मैगजीन अपना इशू किया हो जिसमें उसने स्पेसिफिकली अपने बारे में लिखा हो और अपनी सर्विसेज के बारे में लिखा हो, कोई भी उससे रिलेटेड कोई ऐसी रिकग्निशन, या कुछ बुक्स लिखी हो उस एक्सपर्ट ने खुद से, तो आप उससे भी आइडिया लगाएंगे ये बंदा कितना काबिल है। सेकेंड पॉइंट है जी, अब आपने ये देखना है कि उसका वर्क एडिक्वेट है कि नहीं है। तो उसके लिए आप एक्सपर्ट की फील्ड की जो एक्सपर्टीज है उसकी अंडरस्टैंडिंग लीजिए। अच्छा, अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपर्ट्स फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज। आप एक एक्सपर्ट को हायर करने जा रहे हैं, वो एक्सपर्ट है वैल्यूएशन का। अब क्वेश्चन इज के वैल्यूएशन कौन सी,
वैल्यूएशन तो बिल्डिंग की भी होती है, वैल्यूएशन तो प्रॉपर्टी की भी होती है, बिल्डिंग के अलावा आ गई कोई लैंड भी जिसमें आ जाती है, वैल्यूएशन तो किसी कैपिटल नेचर आइटम की भी होती है, वैल्यूएशन तो कोई कोई पार्ट्स की भी होती है, ठीक है। तो ये बंदा किस में स्पेसिफिकली एक्सपर्ट है, क्या बिल्डिंग की वैल्यूएशन में या ओवरऑल प्रॉपर्टी की होल वैल्यूएशन में एक्सपर्ट है या आइटम्स की वैल्यूएशन में एक्सपर्ट है, जैसे आपने कहा जी इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल है, कोई स्पेसिफिक किस्म की इन्वेंट्री आती है तो उसकी मार्केट में वैल्यू अवेलेबल नहीं होती, तो वो स्पेसिफिक कोई डिटर्मिनेंस लगाता है, कोई प्लांट है उसकी वैल्यूएशन करनी है, हम कहते हैं ना जी रिवैल्यूएशन मॉडल लगाया हुआ कंपनी ने, तो जाहिर सी बात है वो रिवैल्यूएशन किसने करके दी होगी, तो किसी एक्सपर्ट ने करके दी होगी, कोई वैल्यूअर्स होंगे, तो वो किस में एक्सपर्ट है, इन चीजों में भी आगे फर्दर आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि वो फर्दर अपनी एक्सपर्टीज के अंदर भी उसमें किसने स्पेशलाइजेशन की हुई है। जैसे ओवरऑल तो आप MBBS कर लेते हो लेकिन आगे आप डिफरेंट उसकी फील्ड्स हैं उसमें स्पेशलाइजेशन करके जाते हो, तो ये ऑडिटर को पता होना चाहिए, एक्सटर्नल ऑडिटर साहब को, कि देखें उसकी फील्ड में भी आगे कुछ टाइप्स हैं, तो वो जरा आइडिया लगा लें कि वो बकायदा किस फील्ड में एक्सपर्ट है, तभी तो आप उसके काम को सही से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आपने देखना है कि इतना आप उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लें वर्क की कि आपको समझ आ जाए नेचर स्कोप और ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपर्ट्स के वर्क, ठीक है, और ऑडिटर साहब फिर बाद में ये डिटरमिन कर सकें कि उसके काम की फिर नेचर क्या होगी, उससे एग्जैक्टली मैंने क्या काम लेना है, मैंने बकायदा एग्जैक्टली जो है वो कौन से आइटम्स की वैल्यूएशन करवानी है उसे, क्या सिर्फ लैंड की करानी है प्लांट की करानी है, तो ये चीजें आपको पता होंगी तो फिर ही आप उसे करवा सकेंगे, आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है उससे, फिर स्कोप तय करनी है कि कौन कौन से काम इसने करने हैं और कौन कौन से इसकी स्कोप से बाहर है, फिर आपने उसको उसके ऑब्जेक्टिव बताने हैं कि देखें आपके ऑब्जेक्टिव ये हैं, मैंने आपके काम को यूज करना है अपने ऑडिट में, तो मैंने ओवरऑल आपको बता दिया आपके ऑब्जेक्टिव, आपकी स्कोप और नेचर ऑफ द वर्क समझने के बाद, ठीक है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन एक्सटर जो आपका एक्सपर्ट है उसका वर्क एडिक्वेट है कि नहीं। अच्छा ये पॉइंट उसने एडिशनल एक डाल दिया कि देखें आप एक्सपर्ट के काम को यूज कर रहे हैं तो आप उसके साथ चार टर्म्स तय कर लें, ठीक है, टर्म ऑफ एंगेजमेंट तय कर लें, क्या तय कर लें, उसको पहले दिन ही बता दें, देखें नेचर स्कोप और ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क पहले ही डिसाइड कर लें, उसके साथ कोई एग्रीमेंट कर लें, व्हाटएवर कर लें, जो भी आपने जिसमें भी टर्मिनोलॉजी लिखी कोई एग्रीमेंट में लिखी है या कहीं और साइड पे लिख के रखी है, तो उनके साथ ये चीजें तय कर लें, उस एक्सपर्ट के साथ उसको बता दें कि ये तुम्हारा काम है, ठीक है, ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी भी बता दें और उसकी भी बता दें, ताकि बाद में कल को जब आपने उसको एक्सपर्ट एज ए हायर कर लिया और वो चीजें बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश ना करे कि जी आपने ऐसे कहा था, आप कहीं ऐसे कहा था, तो आप एग्जैक्ट जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको बता दें, एक्सपर्ट को बता दें कि हम आपसे इस तरह की रिपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपने हमें इस तरह की रिपोर्ट बना के देनी है जिसके अंदर आपने इश्यूज आइडेंटिफाई करने हैं, एंड पे कंक्लूजन लिखनी है, तो जो भी आप उससे फॉर्म चाहते हैं कि जिस तरह वो आपको रिपोर्ट करे वो तरीकाकार आप उसको बता दें। चौथा आप उसको बताइए कि देखिए आप हमारे एक्सपर्ट हैं, तो वहाँ जाके जो भी आप काम करें हमारे साथ जो भी डिस्कशन रखें, तो ज़रा एंटिटी से और एंटिटी क्या बाकी जितने भी लोग हैं जो भी रेलेवेंट पर्सनल उसमें आते हैं उनसे ज़रा ताल्लुका दूरी रखिएगा, हमारे मामलात कॉन्फिडेंशियल रहने चाहिए, तो ये रिक्वायरमेंट आपने कॉन्फिडेंशियलिटी की उसको समझा देनी है, ठीक है। अच्छा फिर उसने कहा जी कि आपने एक्सपर्ट के वर्क कि एडिक्यूएसी को अवैल्यूएट करना है, ऊपर आपने देखा जी एडिक्यूएट है कि नहीं है वो तो आपने कैसे इंश्योर किया, आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग ले ली, फिर आपने कहा कि जी नेचर स्कोप और ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, वर्क एडिक्यूएट है कि नहीं, अब आप उसकी एडिक्यूएसी चेक कर रहे हैं, एवेल्यूएट कर रहे हैं जो उसने काम कर लिया, क्या कहा जी कि आपने देखना है जब उसने काम करके आपको दे दिया बकायदा, आपने कहा देखना है कि एक्सपर्ट साहब ने जो कंक्लूजन ड्रॉ की हुई है वो रीजनेबल है,
अब सवाल यहाँ पे आता है कि एक्सपर्ट तो इतने एक्सपर्ट है, आपको तो उसकी चीजें समझ आ ही नहीं सकती। अगर आप इतने एक्सपर्ट होते तो आप खुद ना वो काम कर लेते, एक्सपर्ट को हायर करने की जरूरत ही ना पड़ती। तो आंसर इज कि देखें, आप जितने भी एक्सपर्ट ना हो, लेकिन अगर एक बंदे ने कोई काम करके दिया है तो आप चीजें तो जज कर सकते हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन से, कि जो बातें इसने ऊपर इश्यूज लिखे हुए हैं, जो डिटर्मिनेंट्स, जो बेसिस उठाए हुए हैं, वो क्या उठाए हुए हैं, सोर्स डेटा क्या लिया हुआ है आप। हाँ, उसके जो मजीद डिटेल कॉम्प्लेक्स वर्किंग है उसको चेक नहीं कर सकते, लेकिन आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो उसने कंक्लूजन एंड पे ड्रॉ की है, ऊपर उसकी जो उसने आर्गुमेंट किए हैं उसके साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, उसकी कंक्लूजन एंड पे उसने जो निकाली है वो रीजनेबल है कि नहीं है, उसकी कंक्लूजन्स जो उसने ड्रॉ की हैं, बाकी ऑडिट एविडेंस जो वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि सोर्स डाटा उसने कहीं से उठाया होगा कि मैंने इसको यूज करके कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं, तो आपने देखना है इन दोनों के बीच में कंसिस्टेंसी है कि नहीं है। फिर आपने देखना है कि जी उसने कोई सिग्निफिकेंट अजम्पशंस उठाई हुई हैं। अब ऐसी बात है, जब कोई बंदा वैल्यूएशन कर रहा होता है तो उसको कुछ ना कुछ अजम्पशन जरूर यूज करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये डेटा ऐसा होता है समटाइम आपको जब अवेलेबल ही नहीं है, तो वहाँ पे कुछ जरूर आपको बेसिस के लिए अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं, कोई मेथड यूज करने पड़ते हैं। तो आप उन मेथड्स को, जाहिर सी बात है, उन अजम्पशंस को वेरीफाई नहीं कर सकते इतना डिटेल में जाके, लेकिन आप ये जरूर आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये रीजनेबल है कि नहीं है। वो जाहिर सी बात है, किस तरह से मार्केट में भी यही जो है सोर्स डेटा उठाया जाता है, या फिर यही अजम्पशन यूजली ले रहे होते हैं एक्सपर्ट, तो आपको समहाउ इस पे वर्क तो करना है। ये नहीं कि एक्सपर्ट के काम पे आंख बंद करके आप रिलाई कर लेंगे, क्योंकि इन द एंड वो आपको बताएगा कि सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है। फिर आप देखिए कि उसने जो काम किया है वो रेलिवेंट है, कंप्लीट है, और जो सोर्स डाटा उसने उठाया हुआ है वो एक्यूरेट है कि नहीं है, ये तो आप देख सकते हैं ना। आप उसके काम को इतना डिटेल में चेक नहीं कर सकते, लेकिन उसने किस बेसिस पे ये काम किया हुआ है वो जरूर देख सकते हैं। फिर उसने कहा जी कि देखें, अगर ऑडिटर साहब अपना एक्सपर्ट लगा लेके आते हैं, एक्सपर्ट का काम ये जो ये चेक किया, तो एक्सपर्ट का काम आपको पसंद नहीं आया, तो आप कहते हैं कि दे फिर इसका मतलब एक्सपर्ट का काम एडिक्वेट नहीं है, तो फिर वो कोई एडिशनल प्रोसीजर लगाएगा और एडिशनल वर्क तय कर लेगा एक्सपर्ट से। जैसे कि कोई काम दिया था और उसका जब काम चेक किया तो उसमें कंक्लूजन्स कुछ और हैं, सोर्स डेटा मैच नहीं करा, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग लिंक्स हैं। आपने कहा सर आपका काम तो पसंद नहीं आया, तो अच्छा ऐसा कीजिए, चले ये तो हमें इस चीज़ पे तो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, एक एडिशनल काम, एक एडिशनल रिपोर्ट हम आप हमें बना के दे दें। ये सिर्फ ऑडिटर इसलिए कर रहा है ताकि उसे एक तरह से तसल्ली हो जाए, जिस तरह हम मैनेजमेंट से एक रिटन रिप्रेजेंटेशन ले रहे होते हैं, हालांकि हमने सारे प्रोसीजर किए होते हैं, लेकिन स्टिल रिटन रिप्रेजेंटेशन ले रहे होते हैं, वो एक तसल्ली होती है, अश्योरिटी होती है। इसी तरह एक और कोई और काम उसके एक्सपर्ट को कह के कह देंगे कि जी सर ये भी कर दीजिए, ये एक एडिशनल वर्क है, तो इससे हमें तसल्ली हो जाएगी, हमें पिछला आपका कोई काम पसंद नहीं आया, कोई खास पसंद नहीं आया। फिर देखें कि कोई अगर अदर अप्रोप्रिएट एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर खुद वो लगा सकता है कि नहीं लगा सकता, तो ये दोनों कर ले, ये दो पॉइंट्स। अच्छा, जब आपको सवाल पास पेपर में आएंगे तो आप देखेंगी क्लियरली नॉलेज बेस्ड चैप्टर है आपका, आपके तीन स्टैंडर्ड्स आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, आपका ISA 550, ISA 610 जो कि अभी एक्सपर्ट देखा, और ISA 620 इंटरनल ऑडिटर, ये तीन स्टैंडर्ड में से वो के प्योरली नॉलेज बेस्ड सवाल मैम पूछ रहा आप है। उल्टा लिख रहे हैं उल्टा लिख रही हूँ, नहीं आपको मे भी स्क्रीन उल्टी नजर आ रही हो। नहीं मैम वो 610 इंटरनल ऑडिटर और 620 एक्सपर्ट है मैम नहीं, 610 एक्सपर्ट ही है। इंटरनल ऑडिटर बुक में तो यही लिखा हुआ है मेरे ख्याल से 620 इंटरनल ऑडिटर है, उल्टा लिख दिया मैंने। जी अच्छा जी, ये मिक्स हो गया होगा, तो इस पे ना जाइए, आप देख लीजिए जो भी है, 610 और 620 आप अप्लाई कर रहे हैं, 620 आपका एक्सपर्ट है जो हमने बाद में देखा, और 610 है आपका
इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, वो इन तीन स्टैंडर्ड में से वो प्योरली नॉलेज बेस सवाल पूछना होता है। नॉलेज बेस से मुराद ये है कि सवाल तो सिचुएशन बनाई होगी, लेकिन जो जवाब होगा वो प्योरली आपकी बुक से उठाया होगा। तो आपको जो जवाब लिखना है वो बुक से लिखना है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। हम इसके जो पांच पेपर देखेंगे उसमें भी हम क्लियरली देख लेंगे। अच्छा, आगे वो जो पॉइंट बताता है लास्ट में, एक दो पॉइंट रह गए हमारे बस एंड पे, वो ये जो उसने बोल्ड लेटर में लिखा है, यू शुड नॉट रेफर इन हिज रिपोर्ट टू द यूज ऑफ एक्सपर्ट। जब आप किसी बंदे का काम इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जरा इस पर डाल दें, इसी ने काम करके दिया, इसके काम के लिए हमें कल को जवाब दे ना होना पड़े। तो स्टैंडर्ड आपको यहाँ पर क्लियरली बता रहा है कि देखें, आपको ज़रूर अलाउ किया आप इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ करें, आप एक्सटर्नल ऑडिटर के काम, आप जो एक्सपर्ट हैं उसके काम को यूज़ करें, लेकिन आप इतना यूज़ करें कि बस आप आगे उसका काम रिव्यू कर सकें। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर नहीं डाल सकते और ना ही अपनी रिपोर्ट में उसको रेफर कर सकते हैं कि जी ये काम एक्सपर्ट ने करके दिया है तो ज़रा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाए। अनटिल एंड अनलेस के लॉ ने रिक्वायर किया आपसे कि आप एक्सपर्ट का वहाँ पे अपनी रिपोर्ट में मेंशन करें, ठीक है, अदरवाइज आपको बिल्कुल मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि इस पे आपने सर्विसेज जो हैं वो प्रोफेशनल सर्विसेज अपने एक्सपर्ट से लिए हैं, उसने आपको इस कॉम्प्लेक्स इशू पे गाइड किया। दूसरा वो आपको ये बताता है, ये वाला जो जो पॉइंट है लास्ट वाला, ये भी इससे मिलता जुलता ही है तकरीबन। तो हमारा चैप्टर जो है वो तकरीबन कंप्लीट है, इसको डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, कोई स्टिल सवाल रह जाएगा तो वो हम कल देख लेंगे, लेकिन अभी मैं जल्दी से पांच पेपर्स पे मूव कर रही हूँ। ये स्क्रीन नजर आ रही है पांच पेपर की? जी आ रही है जी मिस। अच्छा, अब पहला पॉइंट देखिए, पहला सवाल पढ़िए जरा। ये क्या सवाल पूछा उसने? कोई जवाब बताएगा इसका बगैर जवाब डायरेक्ट असिस्टेंस का बता रहा है, पूछ रहा उसने। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट उसने सवाल क्या पूछा है आपसे? बुक के अंदर आप, बुक आपके पास है, आंसर आपने लिखना है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? तो इसका जवाब क्या है जल्दी से मुझे बताइए। पेज 224 पर जो डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट्स लिखे हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर्स हु हैव टू डॉक्यूमेंट। सिंपल, उसने ये सवाल पूछ लिया, और कितने नंबर का? चार नंबर का। इसमें हमने फोर पॉइंट्स अगर लिख दें तो बहुत होंगे ना? नहीं देखिए, अगर चार नंबर का पूछा आपको सारे आते हैं तो लिख दीजिए, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन टू पढ़िए जरा जल्दी से। हाँ जी, पढ़ लिया जी मिस। रिक्वायरमेंट उसने पूछा कि आप एंगेजमेंट पार्टनर हैं,
बल्कि आप इंगेजमेंट पार्टनर के बिहाफ पे उसे जरा गाइड कर दीजिए फहीम को कि वो कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसपे वो इंटरनल ऑडिटर को की डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकता है. ठीक है, तो उसको पता नहीं चल रहा कि वो कौन से मैटर्स होते हैं, कौन से चीजें होती हैं, कि कौन से ऐसे काम होते हैं जिसपे वो इंटरनल ऑडिटर की डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकता है. तो इस पे जवाब क्या लिखेंगे, आपके दिमाग में क्या आते हैं? मैम पेज 221 पे जो एग्जांपल्स ऑफ वर्क है, टेस्टिंग ऑफ द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग लिमिटेड पेज 221 पे जो एग्जांपल, अगर आपको आप देखें हैं, तो ये यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर है, ये डायरेक्ट असिस्टेंस में नहीं आता, तो ये डायरेक्ट असिस्टेंस में नहीं है, इसलिए आप ये नहीं लिख सकते. कोई और वॉलंटियर है? ये नहीं लिख सकते आप, क्योंकि उसने डायरेक्ट असिस्टेंस की बात की है और वो पॉइंट्स आपने देखे हैं यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर. भाई उसने कहा सवाल को उसने डिस्टेंस किन मैटर्स पे की ली जा सकती है, या फिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको बताएंगे ये फैक्टर्स ही. उसको जब आप बताएंगे देखें कि ऐसे एरियाज जिसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो होता है, जिसमें जो जजमेंट है वो लिमिटेड होती है, तो इन मैटर्स पे आप डायरेक्ट डिसीजंस ले सकते हैं, और इनडायरेक्टली वो आपसे ये पॉइंट्स पूछ रहे हैं, द अमाउंट ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व, द रिस्क. ठीक है, अब हम इसके जवाब पे आ जाते हैं, इसने किस तरह से लिखा हुआ. डायरेक्ट असिस्टेंस आपने इंटरनल ऑडिटर की इंटरनल ऑडिटर शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन मेकिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जजमेंट. ठीक है, पहला पॉइंट डिटेल में स्टेटमेंट इज एज हाई उन्हीं पॉइंट. तो ये सवाल समझ आया जी इसका जवाब भी, ये सिंपल आपने इन्हीं ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इसको अपनी जुबान में करके थोड़ा लिख देना है, थोड़े सेंटेंसेस बना दिए आपने, उसकी थोड़ी वर्डिंग ऐड कर ली. और एंड वाला पॉइंट अगेन देखिए कि एक्सटर्नल ऑडिटर को अपने दिमाग में रखिए कि सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपिनियन एक्सप्रेस करने की एक्सटर्नल ऑडिटर की अपनी है. तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इन मैटर्स पे वो डायरेक्ट असिस्टेंस जो है वो ले सकता है.